तो आज यहाँ पे देखेंगे थ्री फेज 120 डिग्री मोड वीएसआई। तो कल देखे थे थ्री फेज 180 डिग्री मोड वीएसआई, ठीक। तो इसमें देखेंगे कि ये जीरो से लेके 180 डिग्री की एक साइकिल है ये। तो ये जो साइकिल है यहां से यहां तक, ये जीरो से 180 डिग्री की ये साइकिल है। नेक्स्ट ये साइकिल भी यहां पे जीरो से 180 डिग्री की साइकिल है, यानी कि इसमें जो सेक्शन है वो 60 डिग्री में यहाँ पे डिवाइड किए हुए हैं। तो जो 120 डिग्री वीएसआई मोड होता है इसमें भी हम कितने थर्रिस्टर्स का यूज करेंगे, सेम सर्किट रहेगा। तो इसमें भी आप कितने थर्रिस्टर का यूज करोगे, 6 थर्रिस्टर का, और उसके एंटी पैरेलल में 6 डायोड को करंट करोगे। तो जो लास्ट क्लास में सर्किट देखे थे थ्री फेज ब्रिज रेक्टिफायर का, सेम सर्किट रहेगा, सर्किट में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसके ऑपरेशन के मोड में क्या करना है हमको यहाँ पे चेंज करना है। तो यहां पर भी एक साइकिल कितने डिग्री की होती है, 360 डिग्री। तो यहाँ पे इच पल्स जो है वो 60 डिग्री पे अप्लाई और रिमूव करेंगे थर्रिस्टर को। तो यहाँ पे भी कितने स्टेप्स होंगे यहाँ पे, तो इसमें भी 6 स्टेप्स होते हैं, ठीक। और इच स्टेप जो होता है वो इसमें 120 डिग्री का होता है, ठीक है, सॉरी इच स्टेप जो है 60 डिग्री का होता है। कितने स्टेप होते हैं, 6 स्टेप। इच स्टेप कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। जो एक थर्रिस्टर होता है जब उसको हम एक बार कंडक्ट कर देंगे तो वो कितने डिग्री के लिए कंडक्शन करेगा, वहां पे 120 डिग्री के लिए कंडक्शन करेगा। तो जो इच थर्रिस्टर होता है एक बार कंडक्शन करने पर वो कितने डिग्री के लिए कंडक्शन करेगा वहां पे, तो वो 120 डिग्री के लिए कंडक्शन करता है ना। 180 डिग्री मोड में इच थर्रिस्टर कितने डिग्री के लिए कंडक्शन करता है, 180, और 120 मोड में इच थर्रिस्टर जो होता है वो 120 डिग्री के लिए कंडक्शन करता है। तो जैसे हमने कल देखा था कि सबसे पहले हम किसको ट्रिगर करते हैं यहाँ पे, T1 को, है कि नहीं। तो T1 को हम सबसे पहले ट्रिगर करेंगे। तो यहां से यहां तक जो T1 है वो कंडक्शन करेगा, तो इसमें और इसमें, ठीक, इस पूरे रीजन में कौन कंडक्शन करेगा यहाँ पे, ये T1 थर्रिस्टर कंडक्शन करेगा। तो T1 थर्रिस्टर कितने डिग्री के लिए कंडक्शन करेगा, तो ये हो गया आपका 0, ये 60 डिग्री और ये 120 डिग्री। तो थर्रिस्टर T1 जो है वो कितने डिग्री के लिए कंडक्शन करेगा, 120 डिग्री के लिए कंडक्शन करेगा। अब इसके बाद में यहां पे इसको क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे। तो यहां पे जो T1 है ये क्या हो जाएगा, यहां पे ऑफ हो जाएगा। तो 120 डिग्री कंडक्शन करने के बाद ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। कितना डिग्री का ड्यूरेशन मिलेगा आपको यहां पे, 60 डिग्री। और उसके बाद में जो T4 था, T4 को किए थे ना, तो इसके बाद में हम किसको टर्न ऑन करेंगे यहां पे, T4 को टर्न ऑन करेंगे। तो जो T4 है वो यहां पे कितने डिग्री के लिए कंडक्शन करेगा, तो जो T4 है वो यहां पे अगेन 120 डिग्री के लिए कंडक्शन करेगा। और इसके बाद में इसको भी क्या कर दोगे आप, यहां पे ऑफ कर दोगे। तो इसी प्रोसेस को रिपीट करोगे, ऑफ करने के बाद में अगेन फिर किसको टर्न ऑन करोगे, T1 को। तो फिर से हम T1 को टर्न ऑन कर देंगे यहां पे, तो T1 जो है फिर से 120 डिग्री के लिए कंडक्शन करेगा यहां पे। फिर इसको क्या करोगे यहां पे, ये टर्न ऑफ कर दोगे। फिर उसके बाद में T4 को कंडक्शन करोगे यहां पे, तो T4 जो है फिर से वो 120 डिग्री के लिए कंडक्शन करेगा, और इसको फिर क्या कर देंगे यहां पे, ऑफ कर, ठीक है। तो इच थर्रिस्टर जो है वो कितने डिग्री के लिए कंडक्शन करता है, एक बार ट्रिगर करने पर वो 120 डिग्री के लिए कंडक्शन करता है। अब हमने पढ़ा था कि यहां पे जो थर्रिस्टर होंगे कितने स्टेप्स हैं यहां पे, तो 0 से 60 डिग्री, 60 डिग्री से 120, 180, 240, 300 एंड क्या होगा 360। तो ये एक साइकिल हो जाएगी आपकी, अगेन इसी पैटर्न को क्या करेगा, वो रिपीट करेगा यहां पे। तो यहां पे जो स्टेप्स हैं आपकी कितने स्टेप्स हो जाएंगे यहां पे, 6 स्टेप्स हो जाएंगे। तो यहां पे 6 स्टेप्स हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6 स्टेप्स यहां पे हो जाएंगे। अब यहां पे इच स्टेप्स में
कितने थर्स्टर कंडक्शन करेंगे। तो इस स्टेप में जैसे हमने पढ़ा था कितने थर्स्टर कंडक्शन कर रहे थे, 3 थर्स्टर, यहां पे इस स्टेप में कितने थर्स्टर कंडक्शन करेंगे, 2 थर्स्टर। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहां पे जो 2 थर्स्टर कंडक्शन करेगा वो होगा यहां पे T1, और T1 के साथ में कौन है, यहां पे ये T6। तो फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट स्टेज में यहां पे T1 कंडक्शन करता है, और T1 के साथ में कौन कंडक्शन करता है, 6, ठीक है। इसी तरह से यदि सेकंड स्टेप देखेंगे यहां पे, तो उसमें यहां पे कंडक्शन कर रहा है 1 और 2, उसके बाद में 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5, 5 और 6, ठीक। तो यहां पे T1 जो है, इस T1 के साथ में कौन कंडक्शन करेगा, ये T6 कंडक्शन करेगा। तो T1 और जो T6 है ये यहां पे कंडक्शन करेंगे, यहां पे ये T6 क्या हो जाएगा, ऑफ। फिर इसके बाद में T3 को स्टार्ट करें, तो यहां पे आपका T3 स्टार्ट रहेगा ये, और T3 को ट्रिगर करोगे तो फिर वो 120 डिग्री तक कंडक्शन करेगा। फिर इसके बाद में इसको ऑफ कर दोगे, फिर अगेन T6 को यूज करोगे, तो T6 जो है फिर से ये 120 डिग्री के लिए कंडक्शन करेगा। इसके बाद में इसको ऑफ कर दोगे, फिर उसके बाद में अगेन T3 कंडक्शन करेगा, और उसके बाद में इसको ऑफ कर दोगे, और उसके बाद में यहां पे T6 जो है वो कंडक्शन करेगा। इसी तरह से यहां पे देखेंगे कि इसमें T1 के साथ कौन करेगा, 2, तो यहां पे T2 आ जाएगा, T2 कंडक्शन करेगा, फिर इसको 120 डिग्री के बाद में ऑफ कर देंगे, फिर T2 के बाद में कौन कंडक्शन करेगा यहां पे, तो T4 के साथ में, 2 के साथ में 6 कर चुका है 5, तो T2 के साथ में T5 कंडक्शन करेगा। तो यहां पे ये T5 कंडक्शन करेगा, फिर इसको ऑफ कर दोगे यहां पे 120 डिग्री के बाद में, फिर उसके बाद में T2 कंडक्शन करेगा, तो ये T2 आ गया यहां पे, फिर इसको ऑफ करोगे और यहां पे T5 कंडक्शन करेगा। तो इसमें ये याद रखना है कि इस स्टेप में कितने थर्स्टर्स कंडक्शन करते हैं। तो यहां पे देखेंगे कि T1 के साथ में T6 कंडक्शन करेगा, ठीक, और T2 और T5 यहां पे क्या रहेंगे, ऑफ रहेंगे। तो T1 के साथ में 6 कंडक्शन करेगा, यहां पे 1 के साथ में 2 कंडक्शन करेगा, ठीक। तो इस प्रकार से यहां पे 3 के साथ में 2 कंडक्शन करेगा। तो इस प्रकार से ये कंडक्शन की स्टेप्स यहां पे बताई गई है। तो ये सब आपको एग्जाम में नहीं आएगा, ये सिर्फ समझने के लिए। मेन आपको यहां पे याद रखना है कि ईच स्टेज में कितने थर्स्टर्स कंडक्शन करते हैं। तो कितने थर्स्टर कंडक्शन करते हैं, 2 थर्स्टर, और 180 डिग्री में कितने थर्स्टर कंडक्ट करते हैं, 3 थर्स्टर। तो ये दोनों में डिफरेंस जो है उसको आपको याद रखना है, और इस थर्स्टर जो है वो 120 डिग्री के लिए यहां पे कंडक्शन करता है। दूसरा, कल जैसे हमने यहां पे देखा था
कि इसमें ये टी वन थर्रिस्टर है, ये टी वन थर्रिस्टर यहाँ पे कंडक्शन कर रहा है, ठीक, टी थ्री टी फाइव और ये है आपका यहाँ पे टी फोर है, ये टी फोर है और ये टी सिक्स है, ये उल्टा हो गया है और टी टू है, ये टी टू, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे है और ये आपका थ्री फेज लोड है, तो ये आपका यहाँ पे थ्री फेज लोड, ठीक। तो ये हमारी यहाँ पे सोर्स वोल्टेज, यहाँ पे हम क्या देंगे इसको, यहाँ पे डीसी वोल्टेज देंगे, सोर्स वोल्टेज देंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो T1 होता है, इस T1 के साथ में कौन कंडक्शन करेगा यहाँ पे, ये T6। तो यदि करंट यहाँ से आउटगोइंग होगी, ऐसा आउटगोइंग होगी तो इससे क्या होगी, वो रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। तो T1 जब कंडक्शन करेगा तो T6 क्या करेगा, उसको यहाँ पे ये रिटर्न पाथ प्रोवाइड करेगा, ठीक। तो जैसे हमने पढ़ा था कि T1 के ऑफ होने के बाद में हम किसको टर्न ऑन करते हैं, T4 को करते हैं। तो यदि हम अब T4 को करते हैं यहाँ पे टर्न ऑन, ठीक, तो इसके ऑफ होने का समय कितना रहेगा, 60 डिग्री इंटरवल यहाँ पर रहेगा, तो इसको ऑफ होने के लिए पर्याप्त समय यहाँ पे मिल जाएगा, उसके बाद ये टर्न ऑन होगा, तो यहाँ पे जो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन अराइज हो रही थी वो यहाँ पे नहीं होगी। बात समझ आ गई कि इसके पहले क्या हो रहा था, ये ऑफ पीरियड नहीं रहता है, इस थर्रिस्टर कितने डिग्री के लिए कंडक्शन कर रहा था, 180 डिग्री के लिए, है ना, 180 डिग्री मोड में, तो ये 180 डिग्री के लिए कंडक्शन करता है और ये भी 180 डिग्री के लिए। तो जैसे इसको हम ऑफ करने के लिए पल्स अप्लाई करते हैं और उसको ऑन करने के लिए, तो ये ऑन हो जाता है पर ये ऑफ नहीं हो पाता है, तो यहाँ क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अब यदि हम इसको ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए पल्स अप्लाई किए हैं और इसको ऑन करने के लिए, तो पहले ये ऑफ हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, ये ऑन होगा, तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की कंडीशन अराइज नहीं होगी, ठीक है। तो जो 180 डिग्री वीएसआई की प्रॉब्लम थी कि सोर्स के अक्रॉस शॉर्ट सर्किट अपीयर होता है, वो प्रॉब्लम इसमें ओवरकम यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, तो इसमें नोट करिएगा, इसमें लिखिएगा, यहाँ पे ये सीक्वेंस है, ये इसके बाद में कितने डिग्री का इंटरवल होना चाहिए, 60 डिग्री का। तो यहाँ पे इसको हमने ट्रिगर किया ना, तो हम कैसे ऑपरेट करेंगे, तो सबसे पहले हम किसको ट्रिगर करेंगे, यहाँ पे T1 को ट्रिगर करेंगे और T1 के साथ में किसको ट्रिगर करेंगे, T6 को ट्रिगर करेंगे, ठीक है। तो जब T1 को ट्रिगर करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे इसको रिटर्न पाथ प्रोवाइड करेगा, ठीक। उसके बाद में इस T6 को आपको क्या करना है, 60 डिग्री इंटरवल के बाद में इसको ऑफ करना है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो थर्रिस्टर होते हैं इनको जो हम पल्स अप्लाई करते हैं वो कितने डिग्री के इंटरवल पे, 60 डिग्री के इंटरवल पे अप्लाई करते हैं और रिमूव करते हैं, ठीक है। तो एक सिक्वेंस में आपको अप्लाई करना है, तो सबसे पहले हम T1 और T6 को अप्लाई करेंगे, ठीक, और उसके बाद में 60 डिग्री के इंटरवल के बाद में फिर किसको अप्लाई करेंगे, यहाँ पे T3 को और किसको अप्लाई, सॉरी T2 को और किसको अप्लाई करोगे, T2 को अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे जो रिटर्न पाथ है वो कौन सा अप्लाई करेगा, T6 अप्लाई करेगा। तो एक सीक्वेंस, एक जो है उस सीक्वेंस को यहाँ पे शो कर रहा है। अब जैसे ये T6 है, ये 120 डिग्री के लिए कंडक्शन करता है, जैसे उसका हाफ सेक्शन यदि देखेंगे, वो हाफ सेक्शन आपको कहाँ पे दिखेगा, जैसे कि ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है। तो यदि एक बार ये ट्रिगर होगा तो कितने डिग्री के लिए कंडक्शन करेगा, 120 डिग्री के लिए कंडक्शन वहां पे करता है। तो एक बार ट्रिगर होने के बाद में 120 डिग्री के लिए कंडक्शन करता है, है ना। तो जब ये T6, जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इसमें देखिए जो T6 है, T1 के साथ में T6 यहाँ पे रहेगा और उसके साथ में फिर T4 के साथ भी रहता है, ठीक है। T1 के साथ में T6 रहेगा और T5 के साथ में, किसके साथ में रहता है, T5 के। तो किसके साथ थे, 6, 5 और 4 के साथ है, यानी कि जब ये टर्न ऑन होगा तो कुछ समय तक इसको रिटर्न पा देगा, उसके बाद में ये ऑफ होगा और कौन ऑन होगा, यहाँ पे ये
ठीक, तो जब ये करंट यहां से आएगी तो उसको रिटर्न पाथ देगा। तो 60 डिग्री के लिए T1 को रिटर्न पाथ दिया और 60 डिग्री के लिए किसको रिटर्न पाथ देगा, T5 को देगा। उसमें नोट करिएगा, उसमें लिखिएगा 120 डिग्री मोड में, 120 डिग्री मोड में इच थर्रिस्टर 120 डिग्री साइकिल के लिए कंडक्शन करता है, 120 डिग्री साइकिल के लिए कंडक्शन करता है। इसमें भी सिक्स स्टेप्स होते हैं, इसमें भी सिक्स स्टेप्स होते हैं। इच स्टेप 60 डिग्री का होता है, इच स्टेप 60 डिग्री का होता है। नेक्स्ट, इसमें इच स्टेप में ओनली टू थर्रिस्टर्स कंडक्शन करते हैं, ओनली टू थर्रिस्टर्स कंडक्शन करते हैं। नेक्स्ट, इसमें 180 डिग्री मोड वीएसआई के द्वारा सोर्स के अक्रॉस, वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया गया है, नेक्स्ट इस इन्वर्टर की परफॉर्मेंस का एनालिसिस जनरल लोड सर्किट के लिए कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि इसकी पोटेंशियल लोड सर्किट के नेचर पर डिपेंड करती है। रेजिस्टिव लोड की कंडीशन में थ्री फेज पोटेंशियल सेम होती है, इसलिए इसके एनालिसिस में रेजिस्टिव लोड कंसीडर करके कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है कि जैसे जनरल लोड है, अब जनरल लोड क्या होता है, तो जनरल लोड होता है आरएल लोड होता है, ठीक है। अब इन्वर्टर से जो हम सप्लाई देंगे किसको दोगे, आप इंडक्शन मोटर को दोगे है ना, या किसी अदर लोड को दोगे, तो कोई भी लोड जो है वो कैसा लोड होता है, आरएल लोड होता है, ठीक है। तो यदि आरएल लोड होगा तो उस कंडीशन में देखेंगे कि यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, इन सभी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यदि आरएल लोड होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो आउटपुट पोटेंशियल है वो किस पर डिपेंड करती है, लोड के नेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो फिर इसका जो एनालिसिस है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसका एनालिसिस वहां पे नहीं कर पाएंगे। तो यदि इसका एनालिसिस करना है तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे थ्री फेज बैलेंस रेजिस्टिव लोड है, तो थ्री फेज बैलेंस रेजिस्टिव लोड एज्यूम कर लेंगे, और उसको एज्यूम करने के बाद फिर कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि यदि लोड हमारा रेजिस्टिव और थ्री फेज बैलेंस लोड है तो उस कंडीशन में तीनों की वोल्टेज कैसी रहेगी, वहां पे सेम रहेगी, ठीक है। तो उसके द्वारा जब इसमें कैलकुलेशन किया गया तो इसमें जो आउटपुट फेज वोल्टेज, ऐसे लिख देते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट फेज वोल्टेज, तो इसकी वैल्यू मिली सोर्स वोल्टेज अपॉन रूट सिक्स, ठीक, एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट लाइन वोल्टेज, तो उसकी वैल्यू मिली वीएस अपॉन रूट। तो फेज वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू सोर्स वोल्टेज अपॉन रूट सिक्स, और लाइन वोल्टेज की जो आरएमएस वैल्यू है वो यहां पे सोर्स वोल्टेज अपॉन रूट टू होती है। हो गया, नोट कर लिए। अब इसके बाद देखेंगे वोल्टेज कंट्रोल कैसे इसकी करते हैं, वोल्टेज कंट्रोल स्ट्रेटजीज ऑफ सिंगल फेज इन्वर्टर। तो जो हम कौन सा इन्वर्टर देख रहे हैं, वीएसआई है ये, है ना, ये सभी वीएसआई है। तो वीएसआई में सिंगल फेज जो इन्वर्टर है उस सिंगल फेज इन्वर्टर की वोल्टेज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसकी आउटपुट वोल्टेज है ना, इन्वर्टर की वोल्टेज को कंट्रोल करना, यानी इन्वर्टर से जो हम लोड को अप्लाई करते हैं। तो जैसे ये हमारा इन्वर्टर है, ये इस इन्वर्टर के इनपुट में हम क्या देते हैं, यहाँ पे डीसी, और आउटपुट में यहाँ पे क्या होता है, लोड, और उस लोड को क्या मिलते हैं, एसी। तो जो लोड होता है इस लोड की आउट वोल्टेज को कंट्रोल करना है, यानी कि इन्वर्टर की आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो इसके लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं उसको यहां पे देखते हैं। तो पहले उसमें नोट करिएगा, इन्वर्टर की आउटपुट एसी वोल्टेज को कंट्रोल करने की निम्न स्ट्रेटजीज होती हैं, तो यहां पे होता है एक एक्सटर्नल कंट्रोल ऑफ एसी आउटपुट वोल्टेज, दूसरा होता है एक्सटर्नल कंट्रोल
of DC input voltage. और एक होता है इंटरनल कंट्रोल ऑफ इन्वर्टर. ठीक, तो यहां पे जो एक्सटर्नल कंट्रोल ऑफ एसी आउटपुट वोल्टेज है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका इन्वर्टर है, अब इस इन्वर्टर के इनपुट में आप क्या दे दियो डीसी, और आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है यहां पे एसी. तो आप क्या करोगे कि आउटपुट में जो एसी मिल रहा है, ये आपको आउटपुट में यहां पे एसी मिल रहा है. अब मान लो ये एसी वोल्टेज 400 वोल्ट है और यहां पे कोई लोड है ये, और इस लोड को हमको क्या चाहिए, ठीक है, डिफरेंट वोल्टेज चाहिए. तो उसके लिए क्या करेंगे कि लोड और आउटपुट ऑफ इन्वर्टर इनके बिटवीन कुछ दूसरा क्या करोगे, आप डिवाइस कनेक्ट कर दोगे, ठीक है, और उस डिवाइस को कनेक्ट करके लोड को मिलने वाली जो एसी वोल्टेज है उसको आप कंट्रोल करोगे वहां पे. जैसे कि एक होता है यहां पे एसी वोल्टेज रेगुलेटर, एसी वोल्टेज रेगुलेटर होता है. तो आप एसी वोल्टेज रेगुलेटर यहां कनेक्ट कर दोगे, और उस एसी वोल्टेज रेगुलेटर के द्वारा आप क्या करोगे, इसको वेरिएबल वोल्टेज यहां पे दोगे. तो लोड को जो एसी चाहिए उसको कौन रेगुलेट करेगा, उसको कौन कंट्रोल करेगा, अब यहां पे एसी वोल्टेज रेगुलेटर. इन्वर्टर कुछ नहीं करेगा, इन्वर्टर ने आपको एक बार दे दिया कॉन्स्टेंट आउटपुट एसी. ठीक, अब एक्सटर्नल जो एसी है, इसलिए क्या बोला है, एक्सटर्नल कंट्रोल ऑफ एसी आउटपुट वोल्टेज. तो इसमें इन्वर्टर के अंदर कुछ नहीं होता है, इन्वर्टर के आउटपुट में जो एसी मिल रही है उसमें क्या करोगे, आप उसको एक्सटर्नली कंट्रोल करोगे. तो एसी आउटपुट वोल्टेज को हम एक्सटर्नली कंट्रोल करते हैं, तो उसके लिए हम अलग अलग मेथड का यूज करते हैं. तो जैसे बताया है कि एक आप किसका यूज कर सकते हो, एसी वोल्टेज कंट्रोलर या एसी वोल्टेज रेगुलेटर जो होता है उसका आप यूज कर सकते हो, ठीक है, या फिर यहां पे क्या कर सकते हैं, दो इन्वर्टर को हम सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं. एक इन्वर्टर को अपने, जैसे कि आपका एक इन्वर्टर यहां पे है, ये एक इन्वर्टर है, इससे आपका आउटपुट मिल जाएगा. ये दूसरा इन्वर्टर है, ये इससे आउटपुट मिल जाएगा. तो जो दोनों इन्वर्टर हैं, इन दोनों इन्वर्टर को क्या करेंगे, हम इस प्रकार से कनेक्ट कर देंगे सीरीज. ठीक है, तो दोनों इन्वर्टर को कैसे कनेक्ट कर दोगे, इस प्रकार से सीरीज में कनेक्ट कर दें, और इससे एक कॉमन सेकेंडरी यहां पे ले लेंगे, इस प्रकार से कनेक्ट कर देंगे. तो इनको इस प्रकार से ऐड करना है कि ये कैसे होने चाहिए, एडिटिव पोलैरिटी में होनी चाहिए. तो इसकी वोल्टेज V1 और इस या आउट, इसकी इनपुट वोल्टेज है मान लो V1, इसकी इनपुट वोल्टेज है V1, तो इसकी आउटपुट वोल्टेज V2 और क्या होगा V2 dash. तो ये दोनों आउटपुट वोल्टेज क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी. ठीक, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं. तो ये मेथड है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल कंट्रोल ऑफ एसी आउटपुट वोल्टेज कर सकते हैं. इसके बाद में जो एक्सटर्नल कंट्रोल ऑफ डीसी इनपुट वोल्टेज है, इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें जो इन्वर्टर के इनपुट में डीसी आता है, अब एसी को यदि हमको रेगुलेट करना है, हमको किसको चेंज करना होता है, आउटपुट एसी को, तो उसके लिए हम किसको अब चेंज करेंगे यहां पे, इसके इनपुट में, इसके इनपुट में आप क्या देते हो, डीसी देते हो. तो इस डीसी को आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा. ठीक, तो इन्वर्टर को जो आप डीसी दे रहे हो वो कहां से दे रहे हो, ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके पास कोई एसी सोर्स है, और इस एसी सोर्स के बाद में आपने क्या लगाया यहां पे, कंट्रोल रेक्टिफायर लगाया है. कंट्रोल रेक्टिफायर आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक, तो ये कंट्रोल रेक्टिफायर से हम इसको क्या दे सकते हैं, वेरिएबल डीसी दे सकते हैं, और इसके लिए हमको यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, फिल्टर सर्किट लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे क्या होंगे, हार्मोनिक्स वगैरह प्रोड्यूस होंगे, तो फिल्टर सर्किट यहां पे लगाना पड़ेगा. तो फिल्टर सर्किट यूज करके इसको हम क्या देंगे, स्मूथन डीसी देंगे.
और उस डीसी को फिर ये क्या करेगा एसी में, यदि हमको वेरिएबल एसी वोल्टेज चाहिए, चेंज करना है एसी वोल्टेज को, तो इसमें फायरिंग एंगल होता है, फायरिंग एंगल की वैल्यू को चेंज करके इनपुट एसी को चेंज करोगे, इनपुट एसी चेंज होगी तो आउटपुट एसी चेंज हो जाएगी, सॉरी इनपुट डीसी को चेंज करोगे, इनपुट डीसी चेंज होगी तो आउटपुट एसी चेंज हो जाएगी। या फिर इस मेथड को यूज नहीं करना है तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा, चोपर होता है, ठीक है, चोपर को यूज कर सकते हो, तो चोपर सर्किट को आप यूज कर सकते हो। तो इस तरह से हम, है ना, यदि मान लीजिए आप कंट्रोल रेक्टिफायर नहीं यूज कर रहे हो, आप एसी को क्या करोगे, एक डायोड रेक्टिफायर लगा लो यहाँ पे, जो ये डायोड रेक्टिफायर है इसको लगा लो आप, और डायोड रेक्टिफायर के बाद में आप किसको लगा लोगे, चोपर को। तो चोपर को क्या मिल रही है, डीसी, और चोपर क्या करता है, चोपर क्या करता है, डीसी को स्टेप अप कर सकता है, स्टेप डाउन कर सकता है, ठीक। तो वो वेरिएबल डीसी अब किसको मिलेगी, इन्वर्टर को, ठीक। अब यदि आपको आउटपुट वोल्टेज घटाना है तो ड्यूटी साइकिल कम कर दो तो आउटपुट वोल्टेज कम हो जाएगी, ड्यूटी साइकिल बढ़ा दो आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल कंट्रोल ऑफ डीसी इनपुट। तो इसके डीसी इनपुट को एक्सटर्नली कंट्रोल करेंगे और आउटपुट एसी वोल्टेज को हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये जो दोनों मेथड हैं ये उतने ज्यादा इफेक्टिव मेथड नहीं होते हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड है वो कौन सा होता है, इंटरनल कंट्रोल ऑफ इन्वर्टर होता है। आई बात समझ में? तो उसमें सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए एक्सटर्नल कंट्रोल ऑफ एसी आउटपुट वोल्टेज, एक्सटर्नल कंट्रोल ऑफ एसी आउटपुट वोल्टेज। इसमें लिखिए, इस मेथड में इन्वर्टर के आउटपुट टर्मिनल पर, इन्वर्टर के आउटपुट टर्मिनल पर कांस्टेंट एसी वोल्टेज प्राप्त होती है, इन्वर्टर के टर्मिनल पर, इन्वर्टर के आउटपुट टर्मिनल पर दूसरे डिवाइस कनेक्ट करके लोड के अक्रॉस कंट्रोल्ड एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं। इसमें निम्न टू मेथड्स का यूज करते हैं, इसमें निम्न टू मेथड्स का यूज करते हैं। तो ये एसी वोल्टेज कंट्रोलर और सीरीज इन्वर्टर कंट्रोल। तो इसमें यहां पे क्या करेंगे कि ये हमारा इन्वर्टर है, इस इन्वर्टर को आप दोगे इनपुट डीसी, इनपुट डीसी वोल्टेज, और इससे आपको मिल जाएगी एसी वोल्टेज, इसका आउटपुट होगा आपका एसी वोल्टेज। अब ये जो आउटपुट है इसका,
ये आप फीड करोगे इसको एसी वोल्टेज कंट्रोलर, अब इस एसी वोल्टेज कंट्रोलर से आपको कंट्रोल एसी वोल्टेज मिल जाएगी और वो कंट्रोल एसी वोल्टेज आप फीड करोगे किसको, लोड। ठीक, तो हम इन्वर्टर के अंदर कुछ भी नहीं करते हैं, इन्वर्टर के आउटपुट टर्मिनल पर एसी वोल्टेज कंट्रोल लगाएंगे और एसी वोल्टेज कंट्रोलर ही क्या करेगा, लोड के अक्रॉस वोल्टेज को कंट्रोल करेगा। ठीक, तो इसको नोट कर लो डायग्राम को, ब्लॉक डायग्राम को। ठीक, तो इसमें बहुत ज्यादा लिखने के लिए नहीं, एक दो लाइन लिख लेते हैं इसमें। इसमें लिख लीजिए इन्वर्टर के आउटपुट टर्मिनल पर, इन्वर्टर के आउटपुट टर्मिनल पर एसी वोल्टेज कंट्रोलर, इन्वर्टर के आउटपुट टर्मिनल पर एसी वोल्टेज कंट्रोलर कनेक्ट करके लोड को कंट्रोल एसी वोल्टेज, लोड को कंट्रोल एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, लोड को कंट्रोल एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ठीक, सेकंड जो मेथड है सीरीज इन्वर्टर कंट्रोल, तो जैसे बताया कि इसमें क्या करेंगे हम, जो इन्वर्टर है उसको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इन्वर्टर को क्या करोगे आप यहां पे सीरीज में कनेक्ट कर दो। तो जैसे कि आपका ये एक इन्वर्टर है यहां पे और एक ये दूसरा इन्वर्टर है, तो इन्वर्टर वन इन्वर्टर टू। अब इन दोनों इन्वर्टर को हम क्या देंगे यहां पे डीसी वोल्टेज, तो इनपुट डीसी वोल्टेज, तो कोई इनपुट डीसी वोल्टेज सोर्स है उसके पैरेलल में इन दोनों को फीड कर देंगे। अब इस इन्वर्टर से हमको आउटपुट मिलेगा, और इस इन्वर्टर से भी यहां पे आउटपुट मिलेगा। ठीक, ये आउटपुट में इसके क्या लगा देंगे हम, ट्रांसफार्मर लगा देंगे। तो इन्वर्टर से आउटपुट क्या मिलेगा, तो इसका आउटपुट एसी आपको मिलेगा यहां पे, इसका आउटपुट आपको एसी मिलेगा यहां पे। तो दोनों इन्वर्टर के आउटपुट टर्मिनल पे क्या लगा देंगे, ट्रांसफार्मर को की प्राइमरी को कनेक्ट कर देंगे, और इन दोनों ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी होगी यहां पे, तो इसकी सेकेंडरी होगी, इसकी सेकेंडरी होगी, तो इन दोनों की सेकेंडरी में ऐसा पोलैरिटी मार के, तो हम क्या करेंगे इसको एडिटिव पोलैरिटी में सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। तो इनको हमने इस प्रकार से एडिटिव पोलैरिटी में सीरीज कनेक्ट कर लिया। तो यदि इसकी वोल्टेज 200 वोल्ट है और इसकी वोल्टेज भी 200 वोल्ट है और दोनों का फेज कैसा है, इन फेज है, तो यहाँ पे हमको कितनी वोल्टेज मिल जाएगी, 400 वोल्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हम क्या करते हैं, सीरीज इन्वर्टर के द्वारा आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। आई बस में, तो इसमें नोट कर लो इसको डायग्राम को,
तो एक्सटर्नल एसी कंट्रोल हो गया ये, उसके बाद में एक्सटर्नल डीसी कंट्रोल लिख लेते हैं। तो इसमें नोट कर लीजिए जल्दी से, बना ली डायग्राम, उसमें लिखिए इस मेथड में टू और मोर इन्वर्टर, दो या अधिक इन्वर्टर के आउटपुट टर्मिनल पर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को कनेक्ट करते हैं, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी को सीरीज में कनेक्ट करके आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं, आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद में ये हेडिंग डालिए एक्सटर्नल कंट्रोल ऑफ डीसी इनपुट वोल्टेज, एक्सटर्नल कंट्रोल ऑफ डीसी इनपुट वोल्टेज। तो जैसे मैंने इसमें बताया कि इसमें हम क्या करेंगे, इनपुट में इन्वर्टर को जो हम डीसी वोल्टेज दे रहे हैं, है ना, इन्वर्टर के इनपुट में हम जो डीसी वोल्टेज दे रहे हैं उस डीसी वोल्टेज को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। अब डीसी वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए आप कंट्रोल रेक्टिफायर का यूज कर सकते हो, या डीसी वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए आप डायोड रेक्टिफायर के साथ में चोपर सर्किट का यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब इनपुट में हम स्विचिंग डिवाइस का यूज करेंगे, चाहे आप उसका यूज करो चोपर का, या फिर आप किसका यूज कर रहे हो वहां पे कंट्रोल रेक्टिफायर का, तो स्विचिंग डिवाइस जब इनपुट में होगा तो वहां पे क्या होंगे, हार्मोनिक्स जनरेट होंगे, और उन हार्मोनिक्स को फिल्टर करना पड़ेगा, और उनको फिल्टर करने के लिए किसका यूज करेंगे, यहाँ पे फिल्टर सर्किट का यूज करना पड़ेगा। तो इसमें नोट करिएगा, इसमें लिखिएगा इस मेथड में आउटपुट एसी वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, इस मेथड में आउटपुट एसी वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए चोपर के इनपुट डीसी वोल्टेज को एक्सटर्नली कंट्रोल करते हैं, चोपर की इनपुट डीसी वोल्टेज को एक्सटर्नली कंट्रोल करते हैं। इसके लिए फर्स्ट लिखिए कंट्रोल, ऐसे लिखिए कंट्रोल रेक्टिफायर, इसके लिए कंट्रोल रेक्टिफायर विद एसी सोर्स सेकंड लिखिए चोपर विद अनकंट्रोल रेक्टिफायर या डायोड रेक्टिफायर लिख सकते हो, अनकंट्रोल रेक्टिफायर यानी डायोड रेक्टिफायर का यूज कर सकते हैं, ठीक। तो जैसे बताया था कि यहां पे क्या है, मान लो एक एसी सोर्स है, ठीक। अब इस एसी सोर्स के आउटपुट में हमने यहां पे क्या लगा दिया, एक कंट्रोल रेक्टिफायर लगा दिया, ये तो ये आपका कंट्रोल रेक्टिफायर हो गया, एससीआर हो गया ये, ठीक। अब इस कंट्रोल रेक्टिफायर से आप क्या कर सकते हो कि कंट्रोल डीसी दे सकते हो, लेकिन यहां पे क्या होंगे, हार्मोनिक्स होंगे, रिपल्स होंगे, तो उनको रिड्यूस करने के लिए किसका यूज करेंगे, फिल्टर सर्किट का,
तो फिल्टर सर्किट लगा देंगे यहाँ पे, और फिल्टर सर्किट लगाने के बाद में अब जो हमारी स्मूथन डीसी होगी ये किसको फीड करेंगे, इन्वर्टर को, और इन्वर्टर के आउटपुट में हमको वेरिएबल एसी मिल जाएगी, और ये किसको फीड करेंगे यहाँ पे, एसी लोड को फीड करेंगे। तो ये हमारा एसी लोड है, और इस एसी लोड को कंट्रोल एसी चाहिए। अब इसको कंट्रोल्ड एसी वोल्टेज कौन देगा, ये इन्वर्टर देगा। तो ये इन्वर्टर कैसे देगा, तो इसके इनपुट में हम क्या देंगे, कंट्रोल डीसी देंगे, कंट्रोल डीसी इसको दोगे। अब कंट्रोल डीसी कौन देगा, तो ये देगा कंट्रोल रेक्टिफायर, कंट्रोल रेक्टिफायर। अब इस रेक्टिफायर के और इन्वर्टर के बीच में किसका यूज करोगे, फिल्टर सर्किट का यूज करोगे, ठीक है। या फिर आपके पास में क्या है, यहाँ पे एसी सोर्स है, आपके पास कंट्रोल रेक्टिफायर नहीं है, तो क्या यूज करोगे, डायोड रेक्टिफायर का यूज कर लो। अब डायोड रेक्टिफायर जो होगा इसके साथ में भी हम किसका यूज कर लेंगे, यहाँ पे फिल्टर का, तो इसका आउटपुट स्मूथ नहीं होता है, तो यहाँ पे किसका यूज कर लोगे आप, फिल्टर का, और फिल्टर के बाद में किसका यूज कर लोगे आप, चोपर का, ठीक। तो चोपर में भी क्या होता है, आउटपुट में रिपल होते हैं, तो उन रिपल को यदि रिड्यूस करना है तो फिर से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं, और फिल्टर लगा के अब कंट्रोल्ड वोल्टेज किसको देंगे हम, इन्वर्टर को, और इन्वर्टर से हमको रेगुलेटेड एसी मिल जाएगी, और वो किसको देंगे, एसी लोड, ठीक। तो यहां पे कंट्रोल एसी वोल्टेज, यहां पे स्मूथन तो यहां पे है स्मूथन डीसी इनपुट वोल्टेज है ये इन्वर्टर को, ये फिल्टर है ये, ठीक है, भी फिल्टर है, और ये यहां पे अनकंट्रोल रेक्टिफायर। तो इस प्रकार से आप यहां पे इसको यूज कर सकते हो। ओके ओके, तो इसकी जो ड्रॉबैक है, इसकी ड्रॉबैक लिखिए कि इसमें हमको क्या करना पड़ता है, इनपुट में बहुत से कन्वर्टिंग डिवाइस को यहां पे यूज करना पड़ता है, तो इसकी कॉस्ट क्या होगी, बढ़ जाएगी। इन सभी डिवाइसेस में क्या होगा, लॉसेस होगा, तो उसके कारण एफिशिएंसी वगैरह क्या होगी, उसकी रिड्यूस्ड हो जाएगी। तो ये इसकी यहां पे ड्रॉबैक होगी। तो उसमें नोट करिए, फर्स्ट इसमें इनपुट में नंबर ऑफ पावर कन्वर्टर यूज करने के कारण
cost phi एंड एफिशिएंसी लो होती है, एफिशिएंसी लो होती है। सेकंड लिखिए इन्वर्टर के इनपुट में रिपल को रिड्यूस करने के लिए, रिपल को रिड्यूस करने के लिए, इन्वर्टर के इनपुट में रिपल को रिड्यूस करने के लिए फिल्टर सर्किट रिक्वायर्ड होता है, फिल्टर सर्किट आवश्यक होता है। इससे इन्वर्टर की कॉस्ट, वेट एंड साइज इंक्रीज होता है, कॉस्ट वेट एंड साइज इंक्रीज होता है। ठीक, तो ये इसकी यहां पे ड्रॉबैक होती है। तो सबसे अच्छा जो मेथड है वो कौन सा मेथड होता है यहां पे, तो होता है इंटरनल कंट्रोल ऑफ इन्वर्टर। तो उसमें हेडिंग डाल लीजिए इन्वर्टर ने इंटरनल कंट्रोल ऑफ इन्वर्टर। तो इंटरनल कंट्रोल ऑफ इन्वर्टर, ठीक है। तो यहां पे जो इंटरनल कंट्रोल ऑफ इन्वर्टर है, इसका मतलब है कि जो हमारा इन्वर्टर है, इस इन्वर्टर की इनपुट डीसी को कंट्रोल नहीं करेंगे, इनपुट डीसी को, इसको कंट्रोल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, हमको इसकी आउटपुट एसी को कंट्रोल करना है, तो इसके लिए हम कोई एक्सटर्नल डिवाइस का यूज नहीं करेंगे, इसके लिए कोई इंटरनल डिवाइस का यूज यहां पे नहीं करेंगे। मतलब एक्सटर्नल डीसी कंट्रोल करने के लिए कोई डिवाइस नहीं चाहिए, एक्सटर्नल एसी को कंट्रोल करने के लिए कोई डिवाइस नहीं। अब इस इन्वर्टर के इंटरनली, इसके अंदर में ही हम क्या करेंगे, सर्किट यूज करेंगे, और उसके द्वारा हम यहाँ पे इंटरनली कंट्रोल करेंगे किसको, आउटपुट एसी। तो आउटपुट एसी को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, इसके इंटरनली हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल करेंगे। तो इसके लिए जो यूज करते हैं मेथड वो होता है पल्स वीड मॉड्यूलेशन, पल्स वीड मॉड्यूलेशन। जैसे चोपर में पढ़े, चोपर में पढ़े थे पल्स वीड मॉड्यूलेशन, तो पल्स की जो वीड्थ है उसकी चौड़ाई को घटाएंगे या बढ़ाएंगे। तो पल्स की जो चौड़ाई होती है उसकी चौड़ाई को घटाएंगे या बढ़ाएंगे, और उसको पल्स की विड्थ को चेंज करके हम आउटपुट एसी वोल्टेज को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो ये जो मेथड होता है, इस मेथड का यूज करते हैं, क्योंकि इसकी क्या है, एडवांटेज है कि आपको एक्सटर्नली कन्वर्टर यूज नहीं करने पड़ेंगे, तो इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो हाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है, जो हाई फ्रिक्वेंसी एसी होती है, यहाँ पे जब इसमें हम क्या करेंगे, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का यूज करेंगे, तो इसमें क्या होंगे, यहाँ पे हार्मोनिक्स, जो हार्मोनिक कंपोनेंट होते हैं ये यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। तो हार्मोनिक कंपोनेंट जो होते हैं इसमें प्रोड्यूस होते हैं, है ना, जो इंटरनल कंट्रोल ऑफ इन्वर्टर है जिसमें हम किसका यूज करेंगे, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का। तो इसमें कौन प्रोड्यूस होंगे, यहाँ पे हार्मोनिक कंपोनेंट्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, यहां पे कि इसमें जो हाई फ्रिक्वेंसी हार्मोनिक्स होते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी हार्मोनिक्स, इनको हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर सर्किट के द्वारा इजीली सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, जितनी हाई फ्रिक्वेंसी होती है
उसके लिए फिल्टर सर्किट का साइज क्या होता है, रिड्यूस्ड हो जाता है, क्योंकि जो इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस है इनका फिजिकल साइज किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। जितनी लो फ्रीक्वेंसी होगी इनका फिजिकल साइज बढ़ जाएगा, जितनी हायर फ्रीक्वेंसी होगी इनका फिजिकल साइज छोटा हो जाएगा। तो हायर फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक्स को क्या कर सकते हैं, फिल्टर सर्किट के द्वारा इजिली सप्रेस करते हैं, और जो लो फ्रिक्वेंसी हार्मोनिक्स हैं उनको हम क्या करते हैं यहाँ पे मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। तो ये इसकी एडवांटेज होती है, और इसी के कारण किसका यूज किया जाता है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का यूज सबसे ज्यादा करते हैं। तो उसमें नोट करिएगा, उसमें लिखिएगा, उसमें लिखिए, इस मेथड में इन्वर्टर के अंदर में या इंटरनल इन्वर्टर के इंटरनली या इन्वर्टर के अंदर में कंट्रोल सर्किट का यूज करके आउटपुट एसी वोल्टेज को, आउटपुट एसी वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं, आउटपुट एसी वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो आउटपुट एसी वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट, इसमें पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कंट्रोल मेथड का यूज सबसे अधिक करते हैं, इसमें इन्वर्टर के इंटरनली थायरिस्टर के इसमें इन्वर्टर के इंटरनली इन्वर्टर के अंदर थायरिस्टर के ऑन ऑफ टाइम को वेरी करके पल्स की विड्थ को चेंज करते हैं, और आउटपुट वोल्टेज को, आउटपुट एसी वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं, आउटपुट एसी वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद में इसकी एडवांटेज लिखिए, क्या एडवांटेज होती है इसकी, फर्स्ट लिखिए, आउटपुट वोल्टेज कैन बी कंट्रोल्ड विदाउट एनी एडिशनल एक्सटर्नल कंपोनेंट, विदाउट एनी एडिशनल एक्सटर्नल कंपोनेंट। तो बिना किसी एडिशनल एक्सटर्नल कंपोनेंट के हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड लिखिए, इन दिस मेथड लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स कैन बी एलिमिनेटेड
or minimized along with its output voltage control ठीक है, तो लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स जो होते हैं उनको क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं या उसको मिनिमाइज करते हैं उसकी आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल के साथ में, फुल स्टॉप। एज उसी में लिखिएगा, एज हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स, हायर ऑर्डर हार्मोनिक कैन बी फिल्टर्ड इजिली, हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स कैन बी फिल्टर्ड इजिली कॉमा द फिल्टरिंग रिक्वायरमेंट्स आर मिनिमाइज्ड, फिल्टरिंग रिक्वायरमेंट आर मिनिमाइज्ड। तो फिल्टरिंग रिक्वायरमेंट जो है वो क्या रहेगी, यहां पे कम रहेगी, तो फिल्टरिंग रिक्वायरमेंट्स आर मिनिमाइज्ड। नेक्स्ट की इसकी ड्रॉबैक क्या होती है, इसकी ड्रॉबैक लिखिए, इन दिस मेथड expensive SCR of low turn on and turn off times are required। ठीक है, तो इस मेथड में हमने पढ़ा था ना, जो एससीआर होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है इन्वर्टर ग्रेड एससीआर और दूसरा क्या होता है कन्वर्टर ग्रेड एससीआर। तो जो इन्वर्टर ग्रेड एससीआर होते हैं उनका टर्न ऑफ टाइम कितना होता है, तो 3 माइक्रोसेकंड से 50 माइक्रोसेकंड होता है ये। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये कौन से एससीआर होते हैं, इन्वर्टर ग्रेड एससीआर होते हैं। तो इन्वर्टर ग्रेड एससीआर का टर्न ऑफ टाइम कम होता है और इनकी कॉस्ट भी क्या होती है, हाई होती है। तो इसकी यही ड्रॉबैक है कि इसमें हमको क्या करना है, पल्स की विड्थ को चेंज करना है। तो पल्स की विड्थ को यदि आपको चेंज करना है, ठीक, तो एससीआर को आपको क्या करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी ऑन ऑफ करना पड़ेगा। ठीक, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, ठीक है, तो स्मॉल टर्न ऑफ टाइम के एससीआर यानी कि इन्वर्टर ग्रेड एससीआर का यूज करना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट क्या होती है, हाई। तो ये इन्वर्टर की कॉस्ट को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, ये इसकी ड्रॉबैक होती है। ठीक है, तो इन्वर्टर में इसलिए उसको बोलते हैं इन्वर्टर ग्रेड एससीआर। ठीक, अब इसके बाद में यहां पे देखेंगे कि इसमें फॉर एलिमिनेटिंग nth हार्मोनिक, width of pulse for eliminating nth harmonics, ठीक है, तो यदि हमको nth harmonics को eliminate करना है तो जो pulse है उस pulse की जो width है वो यहां पे हम कितनी रखेंगे, तो रखेंगे 2π/n। पल्स की विड्थ कितनी होगी यहाँ पे, 2π/n। तो यदि हमको बोलता है कि थर्ड हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करना है, ठीक है, फॉर या टू एलिमिनेट थर्ड हार्मोनिक्स विड्थ ऑफ पल्स
मस्ट बी 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 180 अपॉन क्या हो जाएगा 3, तो कितनी डिग्री होनी चाहिए वो 120 डिग्री होगी। तो यदि हमको यहाँ पे थर्ड हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करना है तो पल्स की विड्थ कितनी होनी चाहिए यहाँ पे 120 डिग्री होनी चाहिए, तो इसको भी याद रखिएगा कि हमने पढ़ा लो ऑर्डर हार्मोनिक्स को क्या करते हैं वहां पे एलिमिनेट कर देते हैं, तो इसमें ये लो ऑर्डर हार्मोनिक्स को क्या करेंगे एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है, और जो हाई ऑर्डर हार्मोनिक्स हैं उनको एलिमिनेट नहीं करेंगे, उनको क्या करेंगे फिल्टर करेंगे, क्योंकि फिल्टर सर्किट का साइज क्या होगा वहां पे रिड्यूस हो जाएगा, कॉस्ट उसकी कम हो जाएगी, तो लो फ्रिक्वेंसी हार्मोनिक्स को एलिमिनेट किया जाता है और हाई फ्रिक्वेंसी हार्मोनिक्स को क्या करते हैं वहां पे फिल्टर करते हैं। ठीक, नोट कर लिए। इसके बाद में यहां पे देखेंगे कि रिडक्शन ऑफ हार्मोनिक्स इन आउटपुट ऑफ इन्वर्टर, कि इन्वर्टर के आउटपुट में जो हार्मोनिक्स हैं उनको कैसे रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो यहां पे जो हमारे फंडामेंटल कंपोनेंट होते हैं, तो जो फंडामेंटल कंपोनेंट है, इस फंडामेंटल कंपोनेंट का 5%, ठीक है, तो 5% ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट, इतने जो हार्मोनिक्स हैं, ठीक है, 5% हार्मोनिक्स लिख देते हैं, 5% हार्मोनिक्स ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट, इतने जो हार्मोनिक्स हैं वो परमिसिबल होते हैं, ठीक है, इतने हार्मोनिक्स क्या हैं परमिसिबल हैं, इतने हार्मोनिक्स चल जाएंगे। यदि सिर्फ 5% हार्मोनिक्स हैं फंडामेंटल कंपोनेंट का तो उसको रिड्यूस करने की आवश्यकता नहीं है, यदि हार्मोनिक्स ग्रेटर देन 5% है तो उनको परमिसिबल रेंज में लाना पड़ेगा। तो इसके लिए जो हमारा इन्वर्टर होता है, ये इन्वर्टर है और ये हमारा लोड है, तो इन दोनों के बिटवीन क्या करेंगे फिल्टर सर्किट का यूज करेंगे, और फिल्टर सर्किट को यूज करके हम इन हार्मोनिक्स को क्या कर सकते हैं वहां पे रिड्यूस कर सकते हैं। आई वास में तो उसमें नोट करिएगा, उसमें लिखिएगा लोड में फंडामेंटल कंपोनेंट के 5% फंडामेंटल कंपोनेंट के 5% हार्मोनिक्स परमिसिबल होते हैं, यानी मान्य होते हैं, फाइव परसेंट से हायर हार्मोनिक्स की कंडीशन में, 5% से हायर हार्मोनिक की कंडीशन में, 5% से हायर हार्मोनिक्स की कंडीशन में इन्वर्टर एंड लोड के बिटवीन फिल्टर सर्किट इंसर्ट करके हार्मोनिक्स को रिड्यूस करते हैं, ठीक है।
अब फिल्टर सर्किट की कॉस्ट किस पर डिपेंड करेगी, आपको बताया फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। हायर फ्रीक्वेंसी होगा तो फिल्टर सर्किट का साइज क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो उसको हमको सप्रेस करना क्या होगा, इजी होगा, ठीक है। तो पैराग्राफ चेंज करके लिख लिए, फिल्टर सर्किट का साइज एंड कॉस्ट हार्मोनिक कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, हार्मोनिक कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने पर, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने पर साइज एंड कॉस्ट रिड्यूस्ड होते हैं, साइज एंड कॉस्ट रिड्यूस्ड होते हैं, ठीक। उसको अपोजिट कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी यदि डिक्रीज होगी तो कॉस्ट क्या होगी, साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक। तो जैसे याद रख सकते हो, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, ट्रांसफार्मर है, जनरेटर है, ठीक, इन सभी का जो साइज है किस पर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, फिजिकल साइज। यदि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो इन सभी का फिजिकल साइज क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा, ठीक। तो अभी तक जो इन्वर्टर देख रहे थे वो इन्वर्टर कौन सा था, वीएसआई, वीएसआई ने वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर या वोल्टेज फीड इन्वर्टर उसको बोलते हैं। दूसरा जो इन्वर्टर है वो क्या है, सीएसआई है, जिसको क्या बोलते हैं, करंट सोर्स इन्वर्टर या करंट फीड इन्वर्टर इसको यहां पे बोलते हैं। तो यहां पे करंट सोर्स इन्वर्टर और वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक, करंट सोर्स इन्वर्टर एंड वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में हम किसका यूज कर रहे थे इनपुट में, तो वोल्टेज सोर्स का यूज कर रहे थे, तो डीसी वोल्टेज सोर्स, ये इन्वर्टर को क्या करता है, यहाँ पे फीड करता है, और इससे हमको आउटपुट में क्या मिलती है, एसी वोल्टेज मिल जाती है, ठीक है। तो एसी वोल्टेज आउटपुट में यहाँ पे मिल जाती है। अब यहाँ पे जो ये वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है वो लोड पे डिपेंड नहीं करता है, या वोल्टेज की जो वेव फॉर्म है वो लोड पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन यहाँ पे जो करंट फ्लो होती है उस करंट की जो वेव फॉर्म है, आउटपुट करंट की जो वेव फॉर्म है, हमने पढ़ा कि वो किस पर डिपेंड कर रही थी, यहाँ पे नेचर ऑफ लोड पर डिपेंड कर रही थी, याद रहा है। सीएसआई में क्या होता है, तो सीएसआई में जो इन्वर्टर होता है हमारा, ये इस इन्वर्टर को हम फीड करते हैं किससे, तो यहाँ पे करंट सोर्स से फीड करते हैं, किससे फीड करोगे इसको, करंट सोर्स से फीड करोगे, और ये कैसा करंट सोर्स होगा, कांस्टेंट एंड एडजस्टेबल, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब है कि एक बार हमने इसकी करंट को सेट कर दिया 100 एम्पियर, तो इसकी इनपुट करंट 100 एम्पियर ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, लेकिन एडजस्टेबल है, आप इसको यदि चेंज करके 110 एम्पियर करना चाहते हो तो कर सकते हो, फिर 110 एम्पियर कर दिए तो 110 एम्पियर ही रहेगी, फिर कांस्टेंट हो जाएगी, तो कांस्टेंट रहेगी बट एडजस्टेबल है, आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इससे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे आउटपुट में करंट मिलेगी, यदि हम लोड कनेक्ट कर देंगे ना तो आउटपुट में क्या मिलेगी, आपको करंट मिलेगी। अब यहाँ पे जो आउटपुट करंट मिलेगी, इस करंट की जो वेव फॉर्म का शेप होगा वो लोड के नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, यहाँ पे करंट की वेव फॉर्म का शेप लोड के नेचर पर डिपेंड करता है, यहाँ पे करंट की वेव फॉर्म का शेप जो है वो लोड के नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज होती है, इस आउटपुट वोल्टेज की जो वेव फॉर्म का शेप है वो लोड के नेचर पर डिपेंड करेगा, बस में आ गई। तो इसमें आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म का जो शेप होता है वो लोड के नेचर पर डिपेंड करता है, कि लोड रेजिस्टिव है, लोड आपका आरएल है या आरसी है, कैसा लोड है।
डिफरेंस समझ आया दोनों में, उल्टा हो जाता है दोनों। दूसरा यहां पे कि जैसे इसमें हमने यूज किया था किसका, फ्री व्हीलिंग फीडबैक डायोड का यूज किए थे, तो इसमें नो नीड ऑफ फीडबैक डायोड, इसमें फीडबैक डायोड की कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती है। अब ये कॉन्स्टेंट और एडजस्टेबल करेंट सोर्स कहां से आएगा, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी एसी सोर्स का यूज कर लेंगे। एसी सोर्स से फिर क्या यूज कर लोगे आप, कंट्रोल रेक्टिफायर बना लोगे। करंट को कॉन्स्टेंट रखने के लिए इसके सीरीज में क्या करेंगे, एक लार्ज वैल्यू इंडक्टर कनेक्ट कर देंगे, जो करंट को क्या रखेगा वहां पे कॉन्स्टेंट, क्योंकि इंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी है, करंट इंक्रीज होती है तो अपोज करता है, डिक्रीज होती है तो अपोज करता है, ठीक। तो एक लार्ज वैल्यू इंडक्टर को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से ये सी एस आई यहाँ पे होता है। तो इसका जो यूज है, इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, तो इसका यूज भी हम किस में कर सकते हैं, जो एसी मोटर होती है उसके स्पीड कंट्रोल के लिए कर सकते हैं, इंडक्शन हीटिंग के लिए कर सकते हैं, और दूसरा जो लैगिंग वी ए आर कंपनसेशन होता है, ठीक है। तो लैगिंग वी ए आर कंपनसेशन, तो इसके लिए भी इसका यूज यहां पे कर सकते हैं। आई बस समय, तो इन सब फंक्शन में इसका यूज किया जाता है। तो इसको अपन नेक्स्ट क्लास में कल देखते हैं एक बार अच्छे से, है ना, डायग्राम वगैरह बना के। तो आज इतना ही देखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। Cool.